Assalamu alaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Mystery. Today I am going to discuss with you a formation of Easter, second year chemistry and 13th chapter. But before starting the article, if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe and like my page on Facebook and Instagram with the same name Concept of Chemistry. So move to the lecture. Here we will discuss a preparation of Easter. How ester is prepared from carboxylic ester or acetic acid. Okay, and next one and the most important part of this article is that mechanism of reaction, that how we can determine step by step the formation of the product that is ultimately ester. So let's start the article. Formation of ester. Pehla point kya hai, in this reaction bond OH will be replaced by OR. एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एंड पर OH आता है RCOOH या CH3COOH, इनके एंड पर जो OH आता है उसको अगर रिप्लेस कर दें OR के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है ईस्टर में. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अब रिएक्शन कैसे होना है वो भी हमने देखना है. रिएक्शन ऐसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, बट रिएजेंट कौन सा होगा, रिएजेंट होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ये आपने बात याद रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंसंट्रेटेड लेना है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करवाने हैं और वो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा एसिड उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो इसलिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं. अब आप मुझे बताएं कि ये जो जनरल फार्मूला लिखा है ये किस क्लास का है, किस कंपाउंड का है, मतलब किस क्लास को यूज शो करता है. ये ईस्टर का जनरल फार्मूला है आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ओआर. अब आप अगर अपनी हैंडबुक पर लिखें कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला तो सेम ऐसे कैसे, ये जस्ट एक डिफरेंस होगा उसमें, ये होगा आर सी डबल आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ओएच, इधर ओएच होगा. मतलब तो यही हुआ ना कि OH की जगह आप OR लिख दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाता है OR में. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस को, कि रिएक्शन कैसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है. क्लियर है? अब इस रिएक्शन में एक बात याद रखनी है, कोई चेंजिंग नहीं, जस्ट एक चेंज आएगा. वो क्या है, ये मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ना दोनों, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह चला जाएगा, दूसरा पहले की जगह पर आ जाएगा. क्लियर? अब देखते हैं कैसे. अब ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर एसिटिक एसिड OH. ठीक है, अब OH जो है ना OR की जगह आ जाएगा. अब OH जब OR की जगह आएगा तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O. क्लियर? और दूसरा जो OR है वो इस जगह पर आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OR, तो ईस्टर प्रिपेयर हो गया. तो जस्ट एक चेंज करने से आपके पास ईस्टर आ जाता, ये हमें एक चेंज नजर आ रहा, लेकिन जब हम मैकेनिज्म चेक करेंगे तो उसमें हमें और भी स्टेप्स नजर आएंगे क्या क्या चेंजिंग हुई है इस रिएक्शन के दौरान. क्लियर है? अब ये तो था जनरल केस. अब हम डिस्कस करते हैं किसी एक अल्कोहल को लेकर, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल या कोई भी आप यूज कर सकते हैं. बस आपको इसलिए इसके लिए जरूरी है कि आपको जनरल रिएक्शन का सही कंसेप्ट हो. अब वो क्या है, सेम ऐसे ही, ये OH और ये OR, ये ऑक्सीजन और ये C2H5 क्या है, R अल्काइल ग्रुप. अब ये OC2H5 मतलब के OR जो है इधर आ जाएगा और ये OH इधर आ जाएगा. OH इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो H2O बना देगा और OC2H5 इधर जब आएगा तो आपके पास ये बन जाएगा ईस्टर. इधर तो था आपका सेम, मतलब कि सिंपल रिएक्शंस था कैसे प्रिपेयर होता है. अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, मैकेनिज्म के स्टेप्स क्या हैं, तो वो हम अगर वो डिस्कस करने हो तो वो कैसे डिस्कस करने हैं, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आर्टिकल का और इस टॉपिक का भी, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है. पहला जो स्टेप है वो है प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, एज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल डिसोसिएट एंड जनरेट हाइड्रोजन आयन. आपको पता है एसिड की डेफिनेशन क्या है,
एसिड वही होता है जो डिसोसिएशन पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है डिसोसिएशन पर जब ये टूटता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन में, ठीक है। दैट विल अटैक ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक करेगा। इधर एक और बात मैं आपको याद कराऊं कि मैंने आपको पहले बताया था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने हैं। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी एसिड की, उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे और उतना हम क्या प्रोटोनेशन करवा सकेंगे और हमारे लिए यूजफुल होगा प्रोडक्टिव फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है इधर तक, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं। ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर एसिटिक एसिड, हमने करवानी है प्रोटोनेशन। अब ये प्रोटॉन है, ये अटैक कर रहा है इस ऑक्सीजन पर, क्लियर है। अब इस ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे समझ लें हाइड्रोजन गरीब है और ये है अमीर। तो अमीर मतलब है भी सखी, ये अमीर भी है और सखी भी है, ठीक है। एक तो अमीर होता है कंजूस होता है, लेकिन ये अमीर भी है और सखी भी है। तो ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है और बॉन्ड बना लेता है। और आपको पता है या पता होना चाहिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है या कोई लोन पेयर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है किसको, तो इसके ऊपर क्या जी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्लियर है। तो आपके पास बाकी जो OH है ये सेम एज इट इज आ गया, इधर तक क्लियर है। अभी तक एक और मे भी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, मेरे जहन में भी सवाल आया था, आपके जहन में भी आ सकता है, वो ये कि ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर क्यों अटैक कर रहा है, इस ऑक्सीजन पर क्यों नहीं अटैक करता, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो सखी है, ये भी तो अमीर है, तो इसके पास क्यों नहीं जाता हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो उसकी रीजन ये है कि जब ये इसके पास जाएगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट ईस्टर है वो नहीं प्रिपेयर होगा, ठीक है। अब सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन ये है जब ये प्रोटॉन इधर जाएगा ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एज ए होल की फॉर्म मतलब H2O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये H2O पॉजिटिव जो है ना इस कार्बन से अलहदा हो जाता है, टूट जाता है, और ये अब टूट जाएगा तो ये एक पीछे आयन बच जाएगा, तो उससे आपका फाइनल प्रोडक्ट ईस्टर नहीं हासिल हो सकता। तो ये रीजन है कि आपने प्रोटॉन को इधर अटैक करवाना इस ऑक्सीजन पर, ना कि इस ऑक्सीजन पर अटैक करवाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने प्रोटॉन को इस ऑक्सीजन पर अटैक करना ना कि इस ऑक्सीजन पर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाई प्रोटॉन डोंट अटैक ऑन अदर ऑक्सीजन, मतलब वो कह रहा है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है या ये सिंपल प्रोटॉन जो है ये इस ऑक्सीजन पर क्यों नहीं अटैक कर रहा, इसकी मैंने रीजन पहले ही आप पे सारी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पॉजिटिव साइन ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सपोज करें कि पहले ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल था। अब उसने क्या किया, ये सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, अब उसने इलेक्ट्रॉन के हैं डोनेट किए हैं, लोन पे डोनेट किया ना, तो इसकी तादाद कम होगी, प्रोटॉन तो उधर है, तो अब देखिए प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है और जिसकी तादाद ज्यादा होती है वही साइन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लोन पे की डोनेशन के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीज फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन, सो पॉजिटिव साइन इज शोन अबव ऑफ द ऑक्सीजन, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन डोंट बेयर पॉजिटिव साइन, ऑक्सीजन चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो इसको आदत है, इसको मतलब आदि हो गया ये नेगेटिव साइन का, तो पॉजिटिव साइन ये बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर क्या करेगा ये, फिर हम इसको दोबारा लिखते हैं इधर। अब उसने ऑक्सीजन ने अपना पॉजिटिव साइन खत्म करना है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, तो प्रोटॉन के साथ बराबर करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या करेगा, ये 7 वाले जो मतलब इलेक्ट्रॉन है ना उनको अपने ऊपर शिफ्ट करवा देगा, ये पूरा बॉन्ड पे है ना ऑक्सीजन अपने ऊपर शिफ्ट करवा जाएगा, ठीक है। अभी इधर एक और कंसेप्ट है, ऑक्सीजन क्यों शिफ्ट करवा गया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा पावर है खींचने की, तो वो क्या है अपने ऊपर खींच गया। इधर और एक और कंसेप्ट है जो कि ये है कि ये जब ऑक्सीजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव साइन खत्म करने के लिए अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके गया ही गया है, साथ ही कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले गया स्ट्रांग पावर होने की वजह से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, ठीक है। तो फिर रिजल्ट क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन तो खत्म हो गया,
लेकिन फिर कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ गया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले गया, तो कार्बन के केस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अब इधर देखें, इधर जो पॉजिटिव था वो इधर कुछ भी नहीं, न्यूट्रल हो गया, तो ये OH जो है सेम एज इट इज आ गया। बस जो डिफरेंस आया है कि ये डबल बॉन्ड जो एक बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड रह गया और कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ गया, और पॉजिटिव साइन की रीजन क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पहला स्टेप था कि प्रोटोनेशन और उसको हमने रीअरेंज किया है थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप है एडिशन ऑफ एथेनॉल या अल्कोहल। रिएक्शन से भी अगर देखें तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है और रिएजेंट है। अभी तक हमने पहले स्टेप में रिएजेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है रिएक्शन में, वो किस तरह रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है उसको हमने देखा है। अब हम आते हैं मेन रिएक्टेंट पे जो कि अल्कोहल है, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन की क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन ए इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब पिछली स्लाइड में आपने देखा है ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर शो करवाए हैं, वो जो दो लोन पेयर है ना वो ये वाले 2s2 और 2px2, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं लोन पेयर, क्लियर है। ये इधर देखें आप, ये भी एक जो है ना 2s2 है और ये जो लोन पेयर है ये 2px2 है, क्लियर है। अब आप जहां भी देखें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो वो ये वाले दो लोन पेयर है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ एथेनॉल पे, या आपके पास वो फाइनल प्रोडक्ट है जो आपने क्या कहते हैं प्रोटोनेशन का लास्ट प्रोडक्ट था, ठीक है, ये वो लिखा मैंने। अब उसके साथ हमने ऐड करवाना है एथेनॉल को। अब सेम एज इट सेम हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर, एक ये और एक ये। अब ऑक्सीजन अमीर भी है और सखी भी है, लेकिन आगे कोई देने वाला हो, ठीक है, कोई आगे कोई दरखास्त गुजार तो हो ना, तो वो कौन सा है जिसको चाहिए, वो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, बीइंग जेनरस अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये आपने एज इट इज लिखना है CH3 बॉन्ड सी बॉन्ड OH बॉन्ड OH, ठीक है। अभी तक एक और पॉइंट जो आपने याद रखना रिएक्शन को लिखते हुए, वो क्या है कि इसके साथ जो बॉन्ड बनाना है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन का बनाना है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया कार्बन को, ठीक है, तो इसलिए कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का। अगर आप इधर लिखे हाइड्रोजन का इधर ऑक्सीजन इधर C2H5 तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इधर कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड जो बनाना है वो ऑक्सीजन के साथ बनाना है, और बाकी सेम एज इट इज हाइड्रोजन और इधर C2H5। अब सेम वही कंसेप्ट है कि इधर ऑक्सीजन में पॉजिटिव साइन क्यों आ गया, क्योंकि इसने लोन पेयर शिफ्ट किया। फिर सेकंड स्टेप सेम वही, ऑक्सीजन पॉजिटिव साइन बर्दाश्त नहीं करता तो फिर क्या करेगा, ये वो हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं। लोन पेयर क्या होता है, अब आप इधर बताएं, मैं आपसे पहले डिस्कस भी कर चुका हूं, लोन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी को हमने इधर लिखा है, इस सारे कंपाउंड को इधर लिखा है। अब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव साइन, वो बर्दाश्त नहीं करता, अपने इर्द गिर्द वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर उठा लेता है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है ना, इसने जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, ये इस बॉन्ड पेयर को अपना शिफ्ट करवा देगा। अब जब इस बॉन्ड पेयर को अपने ऊपर शिफ्ट करवाएगा तो इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये तो प्रोटॉन बन जाएगा, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड O C2H5, ये सेम एज इट इज लिखा है, बस इस हाइड्रोजन को नहीं लिखा मैंने। अब वो किधर गया, वो एज ए प्रोटॉन इधर अवेलेबल है, ठीक है, इसने छोड़ दिया था तो वो प्रोटॉन उधर ही घूम रहा है, कोई और ले ले मुझे, एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो OH था ये वाला, इसमें ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है एक, ठीक है। तो क्या करेगा, लोन पेयर प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, OH2O पॉजिटिव, ठीक है, OH2O पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव सॉरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इधर तक क्लियर है आपको। अब सेम वही है आगे भी कंसेप्ट, ऑक्सीजन पर इधर भी पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव साइन ये बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर क्या होगा, ये अपने साथ वाले बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करवा देगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये देखिए आप, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन था, इसने ये वाला बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करवा लिया, ठीक है। तो क्या होगा, अभी आप इसको छोड़ दें, ये शिफ्ट करवा देगा ना जब, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है,
अब ऑक्सीजन अपना तो लेके जा ही रहा है, साथ कार्बन का भी लेके जा रहा है, ठीक है, अपना तो लेके जा ही रहा है साथ कार्बन का भी लेके जा रहा है, और जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिल बन जाता है। तो फिर ये जो ऊपर जो ऑक्सीजन है ना, ये भी फिर मतलब उसको डबल बॉन्ड, मतलब उसकी जो वैलेंसी है फोर, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, CH3 बॉन्ड सी। अब ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये वाला बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, तो क्या बन जाएगा, H2O। अब इधर से बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होया तो ये भी एज ए प्रोटॉन ये आ गया H पॉजिटिव, और बाकी सेम OC2H5। तो इसको अगर आप सीधा करके लिखें तो यही नहीं बनता, CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OC2H5, तो ये ईस्टर ही तो है। अब हमने जो रिएक्शन में देखा था वो तो हमें बहुत सिंपल नजर आ रहा था, कि सिंपल हमने OH को OR के साथ रिप्लेस किया तो आपका ईस्टर बन गया। लेकिन आपने मैकेनिज्म में चेक किया कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं। पहला जो स्टेप है वो प्रोटोनेशन है, उसको हमने रीअरेंज किया, फिर आपने देखा हमने कि एथेनॉल की एडिशन है, और फिर उसमें क्या क्या चेंजिंग आई है, कैसे हमने उसको न्यूट्रलाइज करना है, कैसे हमने बॉन्ड पेयर को शिफ्ट करवाना है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। सो आगे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आता है, वो क्या है, ईस्टर्स आर यूज्ड एज फ्रूट फ्लेवर्स। ये जो कैंडीज वगैरह जो टॉफियां वगैरह होती हैं उसमें जो फ्लेवर होता है वो ईस्टर की वजह से होता है, मैंगो फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, उसमें ओरिजिनली थोड़ा ऐड करते हैं वो मैंगो या एप्पल, वो ईस्टर को ऐड करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब अमाइल एस्टेट जो होता है वो बनाना का टेस्ट उसका होता है, ठीक है, अमाइल एस्टेट जो होता है ये भी ईस्टर की एक टाइप है, उसका एग्जाम्पल है, इसका जो टेस्ट होता है बनाना की तरह होता है। अगर आपको कैंडी में बनाना वाला टेस्ट चाहिए तो आप इस केमिकल को यूज करते हैं। फिर इस तरह जैस्मिन, ठीक है, जो फूल है उसकी जो खुशबू है वो होती है जी, बेंजाइल एस्टेट की भी जो स्मेल है वो भी इस तरह की होती है। नेक्स्ट है रेस्टबरी, ठीक है, ये है एसोबुटाइल फार्मेट, क्लियर। नेक्स्ट है जी अमाइल ब्यूटाइरेट, ये जो एप्रीकोट है, अखरो जो आड़ू वगैरह होते हैं, इसका जो जायका है इस केमिकल का भी सेम वैसे ही जायका है। अगर आप किसी टॉफी में कैंडी में ये चाहते हैं कि इसका जायका हो, ठीक है, और आप उसको मतलब ओरिजिनल तो ऐड नहीं करते ना, तो आप इस केमिकल को यूज कर सकते हैं अमाइल ब्यूटाइरेट को, क्लियर। ये आपकी बुक में भी मेंशन है। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, उसके हमने प्रिपरेशन देखी, उसका हमने मैकेनिज्म चेक किया स्टेप बाय स्टेप, हमने कंसेप्चुअल उसको स्टडी किया, और उसके बाद हमने देखा कि कैंडीज वगैरह में जो केमिकल्स यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, टेस्ट फ्लेवर जो होते हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द केमिस्ट्री यू कैन शेयर इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी, थैंक यू।